अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ क्रिस्पी चिकन आलू रोल बनाने की रेसिपी, और बहुत यम्मी डिलीशियस हमारी ये क्रिस्पी चिकन रोल बनके तैयार होते हैं। और 200 ग्राम चिकन में आप तकरीबन 15 से 20 ये रोल बना के रेडी कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मेरी हमारी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल रूबीज कुकिंग पैशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है सॉस पैन। अब इसमें हम बटर डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और बटर को बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया। अब इसमें डाल देंगे प्याज, मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए और जिसको हमने रफली चॉप किया है। प्याज डाल के अच्छे से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा हम गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे प्याज को, हल्की सी हमें ये प्याज पिंकिश कलर की चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी प्याज का कलर पिंकिश कलर हो गया है इसका। और इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स, तो तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। और तकरीबन हमने ये शिमला मिर्ची ली है बड़े साइज़ की, तो ये भी इसी में डाल देंगे। रफली चॉप किया है हमने शिमला मिर्च को, और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं ओरिगेनो, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप इसमें ज़रूर से ऐड करें ओरिगेनो। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे नमक, या फिर नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं मैदा, तकरीबन 2 टेबल स्पून हम मैदा लेंगे, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। और फ्लेम को लो करके बहुत अच्छे से भून लेंगे मैदा को भी, और सारे इंग्रेडिएंट को बहुत अच्छे से हम कुक कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं दूध, तो तकरीबन हमने 4 से 5 टेबल स्पून दूध ऐड किया है। दूध डाल के सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स किया हमने। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं चिकन, 200 ग्राम चिकन को हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन यानी 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन डाल के, और 1 टीस्पून हमने नमक ऐड करके अच्छे से बॉयल किया है चिकन को। और बॉयल करने के बाद चिकन को श्रेड किया है, तो ये भी इसी में डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। फ्लेम को अभी हम इस पॉइंट पर लो ही रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया। अभी इसे हम नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं, फ्लेम को अभी हम ऑफ कर देंगे। तो चिकन के मिक्सचर को अभी हम रख देते हैं साइड में। अब हम ये चिकन आलू रोल बना रहे हैं, तो हमें आलू भी चाहिए होंगे। 300 ग्राम आलू को हमने प्रेशर कुकर में डाल के बॉईल किया, और आलू को फिर हमने मैश किया है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन का मिक्सचर। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं काली मिर्चों का पाउडर, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून हम इसमें काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे। और हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड करेंगे, तकरीबन आधी मुट्ठी के करीब इसमें हम हरा धनिया ऐड कर देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरे धनिए से। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से इसमें हमने सारे ही इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए आलू में, इंग्रेडिएंट डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से आलू और चिकन का मिक्सचर तो हमारा रेडी हो गया। अब हम हाथों पे 1 से 2 ड्रॉप ऑयल अप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होता है, हम जब रोल बनाते हैं तो हमारे हाथों पे ये चिपकता नहीं, और आसानी से हमारा रोल बनके तैयार हो जाता है। तो मैं तकरीबन ये 4 इंच का रोल बना रही हूँ, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आप छोटे साइज़ का या फिर बड़े साइज़ का, ये अपने हिसाब से आप बना के रेडी कर सकते हो। तो इतने ही मिक्सचर में हमारे रोल बनके तैयार हो जाएंगे तकरीबन 15 से 20, और इस तरह से सारे ही रोल हमारे बनके तैयार हो गए। अब रोल को भी हम रख देते हैं साइड में, और रोल की कोटिंग की अभी हम तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 अंडा, अंडे को बहुत अच्छे से हम फेंट लेंगे। अंडा हमारा रेडी हो गया। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर मैदा, तो तकरीबन 1.5 कप हमने ये मैदा ली, मैदा से अच्छे से कोट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको डीप कर देंगे अंडे में। अंडे के बाद हमने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स से भी बहुत अच्छे से हम कोटिंग कर लेंगे रोल की, और सारे ही रोल इस तरह से हम कोट करके साइड में रखते जाएंगे। तो सारे रोल हमारे इस तरह से रेडी हो गए। आप चाहें तो सारे रोल को कोट करके और फ्रीज़ भी कर सकते हो या टाइट कंटेनर में करके, ये ख़राब नहीं होते, और जब भी आपका मन चाहे आप रोल को निकाल के फ्राई कर सकते हो। अब हम चलते हैं और रोल को फ्राई कर लेते हैं। रोल को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल पहले से ही गरम करने रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो गया, तो इसमें हम एक एक करके रोल को डीप करते जाएंगे।
तो इसमें हम इतने ही रोल डालेंगे जितने हमारे सॉस पैन में अच्छे से अरेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा रोल हम इसमें नहीं डालेंगे और तकरीबन हमने 8 से 10 सेकेंड ये एक साइड से बहुत अच्छे से फ्राई किया है। अब साइड चेंज कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हो रोल के ऊपर बहुत अच्छे से कलर आ गया है और ये गोल्डन कलर के हो गए। तो इस तरह से सारे ही रोल हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। आप इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ में या फिर मेयोनीज वगैरह के साथ में इंजॉय करना चाहते हो तो उसके साथ में आप इसे कर सकते हो। ये इतने सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से हमारे ये रोल बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमारे क्रिस्पी चिकन आलू रोल बनके रेडी हो गए और रमज़ान इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर से ट्राई करें और जब आप ट्राई कर रहे हैं तो अपना मेरे साथ में फ़ीडबैक ज़रूर से शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरी हमर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।